आज दोपहर को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें कृष्णा गुप्ता के लिए अपील आप लोगों से की थी कि वो जो है वो लापता हुआ है, और वहीं अब आपको ये दृश्य जो है नहर के बता रहे हैं, जहां परिवार के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची हुई है। आज दिन से खबर हमने आपको बताई कि आप सब यहां पे सहयोग करें कि कृष्णा को ढूंढने में मदद करें। वहीं अब यहां पर मौके पे देख सकते हैं नहर पे पुलिस पहुंची हुई है, और बताया जा रहा है कि एक चप्पल जो है वो यहां से मिली है, और यहां जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहा गया था कि यहां पर किसी युवक को गिरते हुए पानी में देखा था। अब ये पूरा मामला क्या है जो कि सबको हैरान कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ मौके पे पुलिस जो है वो पहुंची हुई है। और साथ के साथ अब वीडियो को शेयर करें और दुआ भी करें कि कृष्णा जो है वो सही सलामत हो। लगातार पुलिस की कोशिश यहाँ पर जो यहाँ से 50 मीटर आगे तक गोते खाते देखा है, आगे तक उसके आगे देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 50 मीटर तक गोते खाते हुए जो है वो यहाँ पर देखा गया है, जो कि सामने के चश्मदीद है। यहाँ पे लगातार पुलिस की कोशिश कि जिस तरह से चश्मदीद द्वारा कहा गया है, और यहाँ पर जो है अब ढूंढा जा रहा है। साथ के साथ वीडियो को शेयर करें और दुआ भी करें कि कृष्णा गुप्ता जो है वो सही सलामत हो। मैं फिर आप तक ये तस्वीर जो है वो साझी करना चाहता हूँ कि आज दोपहर को हमने आप लोगों से अपील की थी कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर कहीं भी ये युवक हो आप, फिर मैं आपको तस्वीर जो है उसकी साझी कर दूं। ये वो कृष्णा गुप्ता है जो कि लापता हुआ है, कल का लापता हुआ है, और वहीं परिवार के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर यानी पुलिस जो है अब यहाँ पर यानी किसने कहा कि यहाँ नहर पे देखा गया? अच्छा, लड़के मिले थे तीन, उन्होंने बोला कि कल का एक लड़का डूबा हुआ है यहाँ। तो अभी चप्पलें भी बता रहे हैं कुछ मिली है, चप्पलें मिली हैं, और कुछ चप्पलें उस भाई की हैं। हाँ, चप्पल उसी की है। वो तंग था घर से या कुछ? कुछ भी नहीं था भैया, ठीक था। घर में तो सारे कह रहे हैं कि खाना खाया और दुकान भी जा रहा था। तो बस ऐसे ही किया है, पता नहीं है, मेरे को घर वालों ने यही सुनाया कि ऐसे खाना खा के निकला। चप्पल आपने पहचान ली? वही चप्पल है, चप्पल पहचान की है, वही है। दुखद खबर, इससे ज़्यादा हम क्या ही इनसे बात कर सकते हैं, मगर यहाँ पर इस समय दुखद पल और दुखद खबर जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए कि यहाँ चश्मदीद द्वारा बताया गया है कि युवक द्वारा जो है वो यहाँ से नहर में गिरते किसी को देखा है, और चप्पलें जो हैं वो बाहर थी। आखिरकार वो युवक यहाँ किस तरह से आया? लगातार रात को इनकी मदर का कॉल आई कि वो आया किसी ने, वो तो एक बजे जब लंच करने गया उसके बाद वापस नहीं आया। शाम को नहीं निकल सकते दुकान से, 9 बजे करीब, 8:30 से 9 बजे। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और SDRF के साथ मिलकर अब ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है, और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार युवक जो है वो किस तरह से यहाँ पहुँचा, और जिस तरह से यहाँ नहर पे उनकी नहर के पास उनकी चप्पल जो है वो मिली है, यानी कि उनके भाई द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि ये चप्पल जो है वो कृष्णा गुप्ता की है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय इस नहर में जो है वो लगातार जारी है, ताकि कोई एक उम्मीद जो है वो भी यहाँ पर कि अगर उसे किसी तरह से बचाया जा सके। फिलहाल दुर्भाग्यपूर्ण पल, हालांकि दिन को जब इनकी माता से बात की, उनके द्वारा कहा गया है जिस दुकान पे काम कर रहा था वहाँ से घर खाने के लिए आया, और उसके बाद जब खाना खा के यहाँ से निकला है उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं है। लगातार आप गोताखोर और SDRF की टीमें जो हैं उसे ढूंढते हुए
परिवार के सदस्य और खासकर भाई उनका इस समय काफ़ी ज़्यादा दुखी है। आखिरकार किस तरह से ये संभव है कि ये युवक जो है जिसके घर के सदस्यों ने ये साफ कर दिया था कि किसी तरह की कोई भी टेंशन जो थी वो उसे नहीं थी। आप देख सकते हैं ये वो तस्वीर, ये कृष्णा गुप्ता की है जो कि घर खाना खाने के बाद जैसे ही दुकान के लिए जाता है और उसके बाद सामने चश्मदीदों द्वारा कहा गया कि किसी लड़के को नहर में जो है वो गिरते हुए देखा है और चप्पल जो है वो यहाँ पे पहचानी गई है। दुआ कीजिए कि कृष्णा जो है वो ठीक हो, मगर सारी उम्मीदें, यानी कि ये बात कल की है, कल दोपहर को ही लोगों ने जो है यहाँ जो चश्मदीद हैं उन्होंने यहाँ पे उस युवक को इस नहर में गिरते हुए देखा है। फिर वो युवक इस नहर पे आया कैसे? परिवार द्वारा साफ कहा गया था कि कोई भी दोस्त उसका जो है वो नहीं है। जाए कहा जा रहा है कि कल 2 बजे यहाँ पे देखा लड़के को डूबते हुए, तो कल किसी तक नहीं भी बात पहुंची? कल इन्होंने देखा था, इधर लेबर काम कर रही थी पार वाली साइड, तो उन्होंने देखा। अभी हमने पूछा उनको जाके, तो कह रहे कल 2 बजे का डूबा हुआ है, पर बताया किसी ने नहीं। तो हमने 4-5 चक्कर भी लगाए, एक छोटा सा बच्चा है 8-10 साल का, वो नहर में नहा रहा था इधर, वो फिर इधर से पार आया, उसने बताया भैया एक लड़का इधर से डूब रहा था, मैं अगर डूब रहा था तो आपने वायब हमने लगाई, वो इतना डूब गया था जैसे आपने आवाज लगाई वो नीचे, वो नीचे डूब गया। क्या बच्चे थे? 8-10 साल का बच्चा है भैया का, इधर ही पार नहा रहा था वो। तो फिर हमें उन्होंने बताया कि इधर चप्पल मिली, चप्पल है इधर पड़ी हुई उनकी। फिर हमने देखा किसी के साथ आया था, अकेला आया था? अकेला ही था वो, कह रहे अकेला ही था इधर, चप्पल अकेली इधर पड़ी थी उसकी। समय रहते किसी तक सूचना मिल जाती तो आज वही ये होना ही था। पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा था या क्या हुआ क्या नहीं, या किसी के साथ आया है तो किसी ने उसका फोन ले लिया है, घबरा गया है घर से कि मैं घर, मुझे घर में पता चलेगा मुझे डांट पड़ेगी। तो अभी क्या कह सकते हैं, क्या तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं कल जो कि देरी यहाँ पे हुई है, अगर यहाँ पर लोगों ने उसे देखा था और उसकी जानकारी सही समय पे अगर दी गई होती शायद आज उसे बचा लिया गया होता, मगर यहाँ पे संभावना जो है
वो ना के बराबर है, क्योंकि चश्मदीदों की माने तो कल ही वो पानी में डूब चुका था और माँ जो है घर में इंतज़ार कर रही है। और माँ का ये भी कहना था दिन को दाल चावल खा के वो यहाँ से निकला। आखिरकार अगर दिन को दाल चावल खा के वो निकला तो नहर पे किस तरह से पहुँचा, जबकि उसे पहुँचना दुकान पे था। दुर्भाग्यपूर्ण पल इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नवाबाद पुलिस जो है और उनके साथ साथ यहाँ पे SDRF की टीमें यहाँ पहुँची हुई हैं ताकि उस युवक को ढूंढा जा सके। देखते रहिए जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत, नमस्कार।